How are you all? I hope you all are fine here at home and happy with your family. So, dear students, as you know, today you have sixth class and we are start our new chapter, 15th chapter. But last week हमने जो हमारा chapter finish किया था वो था 14th chapter, ठीक है? और एक बहुत ही अच्छा chapter था शुभाशितानी, ज्ञान को बढ़ाने वाला chapter था. तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू चैप्टर एंड दिस इज द 15th चैप्टर पंचदश. 15 को क्या बोलते हैं संस्कृत में बेटा? पंचदश. ओके, पंचदश चैप्टर जिसका नाम है षड ऋतव. षड ऋतव, छह ऋतुएं. ओके, छह ऋतुएं आप अच्छे से जानते हो बेटा कि हमारे भारत में, वैसे तो आप कितनी ऋतुओं के बारे में जानते हो? जस्ट यू टेल मी. मुझे पता है, कहते ही बोलोगे मैम गर्मी, सर्दी और बारिश, तीन ऋतुओं के बारे में जानते हो. आई एम राइट ना? ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे सामने ये तीन ऋतुएं ही बार बार रिपीट होती है. जैसे कोई बोलता है बेटा गर्मी चल रही है, बेटा सर्दी चल रही है, बेटा बारिश है, बाहर मत जाओ, लाइक दैट, है ना? तो आपके दिमाग में क्या है? सिर्फ तीन ऋतुएं है ना, सर्दी, गर्मी और बारिश. लेकिन इसके अलावा भी आपके भारत में तीन ऋतुएं और है. जो कौन सी है वो आज हम इस लेसन के थ्रू पढ़ेंगे. ओके बेटा, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. सो प्लीज अपना चैप्टर पेज नंबर हम खोल के रख दिया ताकि मैं पढ़ूँ तो साथ साथ आपको भी समझ में आए उस लाइन का ट्रांसलेशन. ओके, दिस इज पेज नंबर 76. नाम स्टार्टिंग रीड चैप्टर. ऋतव षड भवंती, ऋतुएं छह होती है. भवंती का मतलब क्या है? होती है. षड का मतलब छह और ऋतव मतलब ऋतुएं, अपने सीजन जिसको बोलते हैं, है ना बेटा? भवंती मतलब होते हैं. तो ते, ते का मतलब वे सब. किसके लिए आया ये? ऋतुओं के लिए, सीजन के लिए. वे सब आयांति एंड आयांति आंति च, मतलब आती है और जाती है. आयांति और यांति का मतलब क्या होता है? आती और जाती है. आती और जाती है. उसके बाद है तेषा नामानि सन्ति. अब उनके नाम किस प्रकार है? वसंत. सबसे पहले कौन सी आती बेटा? वसंत. दूसरी जो ऋतु है वो है बेटा ग्रीष्म. कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म. तीसरी जो ऋतु इसमें दे रखी है वो है वर्षा, ठीक है. चौथी ऋतु दे रखी है इसमें हेमंत, सॉरी शरद, फिर हेमंत और फिर जो है आपके शिशिर, ठीक है. ये है आपके छह ऋतु. अब आप कितने जानते हो? ये जानते हैं मैडम, ये जानते हैं मैडम, गर्मी, वर्षा और सर्दी. हम तो मैडम इतने ही जानते हैं, इसके आगे आप नहीं जानते. देखिए वही पढ़ रहे हैं आप. इसके अलावा वसंत ऋतु है, हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है. आपने कभी देखा है जिसे पेड़ से बहुत सारे, एक ऐसे टाइम आता है जब पेड़ से सारे पत्ते जो है ना नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारे पत्ते पत्ते हर जगह दिखते हैं, है ना, हवा चलती है वगैरह. आपको पता है वो कौन सी ऋतु होती है? एक पतझड़ भी बोलते हैं, लेकिन पतझड़ एक ऋतु इसमें नहीं रहती है उसको. तो पतझड़ के बाद में जो नए पत्ते लगते हैं ना उन पेड़ों पर, वो होती है वसंत ऋतु. कौन सी होती है बेटा? वसंत ऋतु, जिसमें नए नए पत्ते आते हैं, पेड़ मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, अच्छा लगता है, नए नए पत्ते, नए नए फूल खिलने लगते हैं, ठीक है. वो होती है आपकी वसंत ऋतु. ग्रीष्म गर्मी की ऋतु आप जानते हो अच्छे से. वर्षा जो बारिश आती है. शरद सर्दी की ऋतु, है ना. फिर हेमंत ऋतु. अब हेमंत ऋतु में देखो सर्दी के बाद में आती है. एक्चुअली क्या है ना, ये टू टू मंथ के लिए हमारे एक साल कंप्लीट हो गया तो ये टू टू मंथ के लिए आती है. अब आप बोलोगे कि मैडम गर्मी तो चार पांच महीने चलती है, दो महीने कहाँ चलती है? तो वही तो एग्जैक्टली बतरी डिस. ऐसे तो हमारे यहाँ तो सिर्फ गर्मी है, लेकिन उनको इस घरों में बैठा गया है. बारिश जो दो महीने वर्ष, सॉरी गर्मी दो महीने ना चलकर जो पाँच महीने चलती है ना, उसके अंदर आपके गर्मी नहीं, उसके बाद आपकी हेमंत भी आती है, उसके अंदर सिसिप भी इंक्लूड है. सिसिप कौन सी ऋतु होती है? लाइक हल्की हल्की सी सर्दी पड़नी स्टार्ट होती है सेप्टेम्बर वगैरह में, है ना, जब तेज सर्दी नहीं पड़ती है, तो वो होती है आपकी सिसिप ऋतु, है ना. वो इस तरह चलो हम लेसन के थ्रू ही पढ़ते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करूँगी इसे बेटर समझ में आएगा आपको लेसन के थ्रू. चलो शुरू करते हैं. प्रथम ऋतु वसंत, पहली ऋतु जो होती है साल की वो होती है वसंत ऋतु, ठीक है.
सर्दी होती है और न ज्यादा गर्मी होती है। परिवेश मनोहर होती, आपका जो परिवेश होता है ना, वातावरण होता है ना, बहुत मनोहर होता है ना, अच्छा होता है। वृक्षेषु पुष्पाणां सौंदर्यं मनसि हरति, वृक्षेषु यानी कि वृक्षों पर पुष्पाणां फूल अपनी सुंदरता से हमारा मन हर लेते हैं। मतलब पुष्प लगे हुए होते हैं, फूल पेड़ों पे नए नए पुष्प लगे हुए, तो अपने आप हमारा उनको देखकर मन जो है वो खुश हो जाता है। पक्षी भी कलर में प्रसन्नता प्रकट होती, पक्षी होते हैं ना वो कलर, मतलब आपको पता है पक्षियों का बेटा जो है ना वो मिस कलर करना, कलर मतलब उसे बोलना। पक्षी जब बहुत ऐसे बोलते जैसे कोयल बोलती है, कौवा बोलता है, चिड़िया बोलती है ना, अपनी अपनी आवाज में सभी बोलते हैं, तो उनका जो बोलना होता है ना वो एक अच्छा लगता है हमको। तो पक्षी जो है ना वो भी अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं वसंत ऋतु में, उनको भी वसंत ऋतु पसंद आती है। कोकिलानां काकली हर्ष जनयति मदिति च, कोकिलानां यानी कोयल और काकली कौवे जो है वो अपनी हर्ष यानी अपनी प्रसन्नता जनयति मदिति मदयुक्त बनाती है। उनकी कोयल की जो बोली है ना वो क्या करती है, मदयुक्त बनाती है। मतलब आपने देखा है कोयल की जो वॉइस होती है वो बहुत प्यारी बहुत अच्छी लगती है, सुबह सुबह जब वो बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है ना, तो उनकी जो आवाज़ है वो उनको मधुर बनाती है, मतलब एक बहुत आनंद प्रदान करती है। जना गायन्ति नृत्यति च, लोग गाते हैं और नृत्यति यानी कि नाचते भी है। सेकेंड ऋतु ग्रीष्म ऋतु, द्वितीय ग्रीष्म, दूसरी ऋतु जो आती है वो आती है गर्मी की। अस्मिन् ऋतु भानो उग्रता सर्वत्र उष्णता प्रसार है। ऋतु भानो, भानो का मतलब होता है सूर्य, इस ऋतु में भानो मतलब सूर्य उग्र ताप सर्वत्र उष्णता फैलाती है, अपना उग्र तेज ताप मतलब बहुत तेज धूप से सभी जगह गर्मी फैलाता है। सूर्य जो है ना बहुत तेज तपता है आपको पता है गर्मी में, और बहुत सब जगह क्या फैलाता है, ताप, ताप मतलब गर्म गर्म सब जगह गर्मी फैलाता है, प्रसारित यानी फैलाता है। तपता वायु जनान पशुन खगान व्याघ्राना को बनती, तपती हुई वायु से, गर्मी गर्मी कितनी गर्म हवा चलती है वो चलती है ना, तो तपी हुई वायु से लोग पशु यानी पशु खगान यानी पक्षी जो व्याकुल होते हैं, सभी के सभी व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं ना। ग्रहे ग्रहे व्यंजनम वातानुकूलित यंत्रम च चलती, ग्रहे ग्रहे व्यंजनम, व्यंजनम मतलब पंखे और वातानुकूलित मतलब कि कूलर और एसी के लिए वातानुकूलित, वातानुकूलित मतलब वातावरण को कूल बनाना है, अनुकूल बनाना है ना, यानी कि गर्मी का मौसम है तो एटमोस्फेयर को थोड़ा सा कूल बनाना, उसके लिए क्या कहते हैं, ऑब्वियसली कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं है ना, तो पंखे चलाते हैं, तो घर घर में पंखे कूलर एसी चलते हैं। अतः विद्यालय ग्रीष्म अवकाश होती है, इसीलिए विद्यालयों में भी क्या होता है, ग्रीष्म अवकाश होता है, यानी कि गर्मियों की छुट्टियां होती है। कब होती है, जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है, जून में होती है ना बेटा, इसलिए तो होती है मई जून में छुट्टियां, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज गर्मी होती है उसमें। तृतीय वर्षा ऋतु, तीसरी कौन सी है, वर्षा ऋतु। अस्मिन् ऋतु आकाशे कृष्ण मेघा यूर भ्रमंती, इस ऋतु में आकाशे, आकाश में कृष्ण वर्णा यानी काले बादल, मेघा इधर स्थित, इधर से मतलब इधर से उधर भ्रमंती यानी घूमते हैं, घूमते ना, कभी बादल इधर से इधर जाते हैं तो कभी इधर से इधर जाते हैं काले काले बादल। कदाचित तो भानो दर्शनम अपि न भवति, कभी कभी तो भानो सूर्य उनके दर्शन भी नहीं होते हैं, होते ना बहुत ज्यादा बादल होते हैं और सूर्य बादल में छुप जाता है, तो कभी कभी तो ऐसा पूरा दिन निकल जाता है कि हमको सूर्य दिखाई भी नहीं देता। मेघा धारासार रूपेण वर्षन्ति, कभी कभी बादल जो है धारासार मतलब बहुत जोर से बरसते, होती ना कभी तेज बारिश होती है, कृषका प्रसन्ना भवन्ति और सारे किसान क्या होते हैं, खुश होते हैं। बारिश होगी तो ऑब्वियसली किसान तो खुश होंगे ही बेटा, क्योंकि बारिश के ऊपर ही उनकी जो फसल होती है वो क्या होती है, डिपेंड होती है, इसलिए खुश होते हैं। पशुभ्य मानवीय पर्याप्त तृणानि अन्नानि च भवन्ति, और मानवों के लिए पर्याप्त, पर्याप्त मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना मानव को, जितना अन्न उनके पास होना चाहिए उनको पेट भरने के लिए, तो उतना उसको बोलते हैं पर्याप्त। पर्याप्त तृणानि, तृणानि का मतलब होता है घास, क्या होता है बेटा घास, घास तृणानि कौन खाता है, घास कौन खाता है, पशु खाते हैं, और अन्न कौन खाते हैं, हम खाते हैं यानी इंसान खाते हैं, तो पर्याप्त उसके उनके पास अन्न होता है और घास भी होती है। किससे, किसके पास, किसानों के पास है ना, और किससे होता है ये सब, बारिश की वजह से। चौथी ऋतु है आपकी शरद ऋतु, कौन सी ऋतु बेटा, शरद ऋतु।
शरद ऋतु मृदुष्ट होती है। शरद ऋतु मतलब हल्की हल्की क्या होती है, ठंड होती है। शरद ऋतु में हल्की की ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। अस्मिन ऋतु चंद्र से प्राचीन अपूर्व शोभा होती है। इस ऋतु में रात्रि में चंद्रमा की शोभा बहुत अच्छी होती है। शरद ऋतु आपने सुना ना, एक मैं बताती हूँ आपको, अब आपको याद आएगा कि शरद ऋतु से के नीचे। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में चिल्ड्रंस। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।